किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही नए तरीके से सिंपल यमी नाश्ता बनाएंगे। इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रखकर दे सकते हैं, चाय टाइम पे बनाइए या स्नैक्स के तौर पे बनाकर खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए फटाफट से आलू पनीर का ये टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। आलू पनीर कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही साथ अब हम इसमें 1/2 चम्मच ही राई डाल देते हैं। राई जीरा भुन चुके हैं तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू को पहले से मैश करके रखा है, तो इसे इसमें डालेंगे। मसाले के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला डालते टाइम आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है, जिससे मसाला जले नहीं। मसाले के साथ मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और 1/2 चम्मच ही चाट मसाला डाल देंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत ज्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप अपने पसंद के अनुसार और भी मसाले मिला सकते हैं। सभी मसालों के साथ आलू को अच्छे से भूनेंगे। आलू को मैंने अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है, तो लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू को मैंने एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लिया है और साथ ही साथ मैंने थोड़ी से पनीर को पीसेस में कट करके लिया है, तो आप अपने अनुसार पनीर को पीसेस में काट सकते हैं। आपको कौन सी शेप में पनीर काटना है, तो यहाँ मैंने ये स्क्वायर शेप में पनीर को काट लिया है। अब हम इसे आलू से कोट करेंगे। सबसे पहले हम आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे हाथ पे हल्का सा फैला लेते हैं। अब एक पनीर का पीस इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ऊपर से और लगा लेंगे और इसे अच्छे से आलू के मिक्सचर से कोट कर लेते हैं। ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है और इसे भी हम एक स्क्वायर शेप दे देंगे। पनीर को मैंने आलू के मिक्सचर से अच्छे से कवर कर लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो पनीर के पीसेस हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए आलू के मिक्सचर से अच्छे से इसे कोट कर लें। आलू की बहुत ज़्यादा मोटी परत पनीर के ऊपर ना लगाएं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ पतली पतली परत, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी इसे कवर करना है। सिर्फ इसी तरीके से हम सारे पीसेस को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये सभी पीसेस मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बनाया है इसको और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है। तो इसी तरीके से हम इस सभी आलू पनीर के कटलेट्स जो हैं वो रेडी करके रखने हैं। इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने मैदा ली है, तो ये 2 बड़ी चम्मच मैदा एक बाउल में ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के हमें एक घोल तैयार करना है। मैदा का घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो मीडियम कंसिस्टेंसी में हम घोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदा का घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हम साइड में रखेंगे और ये मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है दोस्तों। 2 ब्रेड पीसेस को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए और ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को ग्राइंड कर लीजिए और उसे भी इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आलू पनीर का एक पीस लेंगे, इसे अब हम मैदे के घोल में डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मैदे के घोल में हमें इसे डिप कर लेना है और मैं चम्मच की हेल्प से इसे साइड में थोड़ा सा रोकूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो वापस बाउल में चला जाए।
बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी है मैदे की, हल्की सी ही कोटिंग चाहिए हमें। तो अब हम इसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर डालेंगे और इस तरीके से हम इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। तो पहले थोड़ा सा ब्रेड क्रम लेंगे और इसके ऊपर डाल लेते हैं ताकि सारे ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हो और ये इसके ऊपर आसानी से कोट हो जाए। चारों तरफ से हम इसे अच्छे से कोट करेंगे ब्रेड क्रम से। तो ये मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है। हमारा पनीर कटलेट बिल्कुल तैयार है इस तरीके से। इसे हम प्लेट पे रख लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के आलू पनीर कटलेट्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने सभी पनीर कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपके गेस्ट आएं तो फटाफट से इन्हें ऑयल में फ्राई करके सर्व कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फटाफट से आलू पनीर कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। आलू पनीर कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक एक करके सभी पनीर कटलेट्स को ऑयल में डाल देते हैं। तो ये देखिए एक तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं, इन्हें पलट लेते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे सभी पनीर कटलेट्स को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी पनीर कटलेट बिल्कुल तैयार हैं। वाओ, कितना बढ़िया पनीर कटलेट रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। सभी पनीर कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर के पनीर कटलेट्स रेडी हुए हैं। इन्हें प्लेट पर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, मैं इन्हें पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया कलर आया इनका। तो इसी तरीके से हम बाकी पनीर कटलेट्स भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आलू पनीर कटलेट बिल्कुल तैयार है और ये देखिए कितना क्रिस्पी बनाया है, देखने से ही पता चल रहा होगा। तो है ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी। इस तरीके से आप ये पनीर कटलेट जरूर ट्राई कीजिएगा। एक पीस को मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे बीच से इस तरीके से ट्रायंगल में कट कर लेती हूँ। वाओ, कितना बढ़िया पनीर कटलेट रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये आलू पनीर कटलेट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी।